हेलो गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लॉग डिस्कस कर लिया था कि लॉग कैसे सॉल्व करना है, जो हमारे केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में यूज़ होता है। केमिस्ट्री में यूज़ होने वाले सारे केसेस ऑलमोस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज एंटी लॉग कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम लोग एंटी लॉग का डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एंटी लॉग आप एक बार देख लीजिएगा किस तरीके से सॉल्व करना है। एंटी लॉग और ईजी है, लॉग से ही बहुत ईजी है। इसमें तो दो तीन ही केस हैं, यही आप सीख जाएंगे तो काफ़ी है, इतना ही सफिशियंट होगा आपके लिए, है ना। तो एंटी लॉग में आप देख लेते हैं, सबसे पहले जो आपको केस दिखेगा इस तरीके से दिखेगा, जब आपको इस तरीके से वैल्यू सॉल्व करनी होगी। एंटी लॉग को नॉर्मल वैल्यू दी होगी, जैसे 5, बिना डेसिमल वगैरह की कोई वैल्यू दी हुई है, बिना डेसिमल के कोई इस तरीके की वैल्यू दी हुई है, आपको डायरेक्ट आंसर देना है 10 की पावर 5। जो भी नंबर है उसको 10 की पावर बना देना है। सपोज आपको सॉल्व करना है एंटी लॉग 10 18, विच मीन्स 10 की पावर 18, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से, अगर आपको दिया हुआ है एंटी लॉग -5, क्या दिया हुआ है, एंटी लॉग -5, तो डायरेक्ट पावर बना देनी है इसको 10 की पावर -5, ये आंसर हो गया। जो भी नंबर दिया है वो आंसर एंटी लॉग 10 की पावर बना के, पहला केस तो ये हो गया, ये आपको सॉल्व करने को मिलेगा। दूसरे केस में आपको डेसिमल वाली कोई वैल्यू दी हुई है और पॉजिटिव वैल्यू है, डेसिमल वाली वैल्यू दी जाएगी और पॉजिटिव वैल्यू दी जाएगी, सपोज एंटी लॉग 4.812 इस तरीके की वैल्यू है, तो आपको क्या करना है, अगेन सबसे पहले जो डेसिमल के पहले वाला नंबर है उसको 10 की पावर बना देना है, जो डेसिमल के पहले नंबर है उसको 10 की पावर बना देना है। फिर डेसिमल के बाद जो नंबर है उसमें पहली दो डिजिट की वैल्यू थर्ड में देखना है, मतलब 81 की वैल्यू आपको 2 में देखनी है, एंटी लॉग टेबल में, लॉग टेबल में नहीं देखना है इस बार, ध्यान रखिएगा ये लॉग टेबल है। अब आपको एंटी लॉग टेबल में जाना है, नीचे आपके NCERT ग्रुप में एंटी लॉग दिया होगा, एंटी लॉग टेबल में आपको वैल्यू देखनी है, किसकी वैल्यू देखनी है, 81 की वैल्यू 2 में देखनी है आपको एंटी लॉग में। तो ये यहाँ पे आप आएंगे तो ये देखो 80, ये पहला टेबल 0 का होता है और 1 का, फिर 2 का, तो 81 की वैल्यू 0, 1, 2 में देखेंगे तो 6486 क्या मिलेगी आपको, 6486 मिलेगी। तो 81 की वैल्यू 2 में क्या है, 6486। और आपको एंटी लॉग में हर बार एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है, कहाँ डेसिमल लगा देना है, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है। तो आंसर क्या बन गया आपका, फाइनल आंसर जो बना 6.486 × 10⁴, ये आंसर बन गया, दैट्स इट। देखो एंटी लॉग कितना सिंपल है, ठीक है ना, एक डिजिट छोड़ के हर बार आपको डेसिमल लगा देना है एंटी लॉग में। एक और एग्जांपल इस तरीके का देख लेते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कोई आपको वैल्यू सॉल्व करनी है एंटी लॉग 18.214, कौन सी वैल्यू 18.214, क्या करना है, सबसे पहले जो डेसिमल के पहले नंबर है उसको 10 की पावर बना देना, उसको क्या बना देना, 10 की पावर बना देना। पहली दो डिजिट की वैल्यू कहाँ देखना है, फिर थर्ड में देखना। 21 की वैल्यू कहाँ देखनी है आपको, 4 में देखनी है, 21 की वैल्यू 4 में देखेंगे तो ये देखो 0, 1, 2, 3, 4 फोर में देखेंगे तो 1637, 21 की वैल्यू 4 में क्या है, 1637 वैल्यू है हमारे पास, तो यहाँ लिख लेंगे 1637, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है आपको, दैट्स इट एंटी लॉग सॉल्व। ठीक है, इन्हीं स्टेप्स को फॉलोअप करना, आपके आंसर्स आ जाएंगे। आप रैंडमली कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो, आपके पास कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर में सॉल्व करके आप देख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। फिर अब आपको नेगेटिव वैल्यू दी होगी, तो नेगेटिव वाला एंटी लॉग थोड़ा सा खतरनाक होता है, उसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेगेटिव वाला एंटी लॉग कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको नेगेटिव दी हुई है इस तरीके से 17.326, ये आपको वैल्यू सॉल्व करनी है। फिर सबसे पहले देखो आपको बहुत ध्यान से स्टेप सुनने हैं, इन्हीं को फॉलोअप करना है हर बार, आपको सेम करना है हर जगह। नेगेटिव को बाहर बना दो, पॉइंट के पहले वाली डिजिट में एक ऐड कर दो, 17+1 क्या हो जाएगा 18, पॉइंट के पहले वाली डिजिट में क्या करना है आपको, एक ऐड करना है, क्या हो जाएगा 18, पॉइंट के बाद वाली डिजिट को 1 में से माइनस करना है, 1 में से माइनस करना है 0.326 को, है ना। तो कैसे माइनस करेंगे, 1.000.326, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 3 गए 6, 0.674 ये बचेगा ना, तो 0.674। 10 पॉइंट डेसिमल के पहले जो नंबर है उसको 10 की पावर बना देंगे, बार का मतलब अभी भी यहाँ पे नेगेटिव ही है, फिर अगेन सेम चीज़ करेंगे, पहली दो डिजिट की वैल्यू थर्ड में देखेंगे, विच मीन 67 की वैल्यू कहाँ देखेंगे, 4 में देखेंगे, 67 की वैल्यू 4 में एंटी लॉक टेबल में हम लोग देख लेते हैं, 67567 की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 4721 क्या वैल्यू आ रही है, 4721 वैल्यू दिख रही है हमको, तो वैल्यू क्या है 4721, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, दैट्स इट।
4.721 इंटू 10^-18 इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। एक बार और सुन लीजिए कैसे स्टेप्स फॉलो अप करने हैं आपको। सबसे पहले जो नेगेटिव है उसको बाहर बना दिया, डेसिमल के पहले वाले डिजिट में एक ऐड कर दिया, डेसिमल के पहले वाले डिजिट में एक ऐड कर दिया, डेसिमल के बाद वाले डिजिट को वन में से माइनस कर दिया। देखो वन में से माइनस किया ना मैंने 0.326, हर बार यही करना है आपको, वन में से ही माइनस करना है। ठीक है, जो नंबर आया उसको यहाँ लिख दिया, फिर डेसिमल से जो पहले नंबर है उसको 10^10 बना दिया, बाहर का मतलब अभी भी नेगेटिव है। पॉइंट के बाद जो पहली दो डिजिट की वैल्यू आपको कहाँ देख लेनी है, थर्ड में देख लेनी है, बस दैट्स इट। ये आपका आ गया 67 की वैल्यू फोर में हमने देखी थी, आया था, आप कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेटर में जो फंक्शन होता है, देखो लॉग का बेस केमिस्ट्री में 10 होता है, तो लॉग का तो आपको कैलकुलेटर में डायरेक्ट फंक्शन मिल जाएगा लॉग, बट एंटी लॉग का जो फंक्शन होता है वो 10^ इस तरीके से दिया होगा आपके उसमें, या 10^x कैलकुलेटर में 10^x या 10^ में ऐसे ये सिंबल दिया होता है शायद, तो ये आपका एंटी लॉग फंक्शन होता है, सिंबल यूज़ कीजिएगा। इसके बाद आप अपनी ये वैल्यू डालेंगे ये वाली, तो आंसर यही निकल के आएगा, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।